नमस्कार दोस्तों, यशोदा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का भाग नंबर 1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों 11-10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन हम लोग कॉपी पर नोट कर लेते हैं दोस्तों। टैन इनवर्स 11 नंबर क्वेश्चन, टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू हमको से पूछा है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स, देखिए दोस्तों आप लोग को हम बताए थे साइन इनवर्स साइन एक्स होता है ना दोस्तों, इस फार्मूला पर बैठेगा था। साइन इनवर्स साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो 30 का मान होता है, तो 30 कब आएगा, जब पाई वाई हम सिक्स करेंगे तभी तो आएगा दोस्तों 1/2। तब देखिए दोस्तों फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू क्या होता है एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या है पाई बाई सिक्स है, तो पाई बाई सिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स नहीं दोस्तों, साइन इनवर्स साइन एक्स तो हो गया दोस्तों, तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो गया एक्स हो गया, तो एक्स के जगह पर पाई बाई सिक्स है, तो पाई बाई सिक्स लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 यानी 2 3 6 कट जाएगा। तो टैन इनवर्स 2 कॉस क्या बच जाएगा, पाई बाई 3 बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, टैन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3 का मान कितना होगा, 180/3 करेंगे तो कितना होगा 180/3, तो 3 6 कटा लेंगे, कॉस 60 का मान कितना आ जाएगा 1/2 ही ना हो जाएगा। तो टैन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टैन इनवर्स 1 बचेगा। अब देखिए तो टैन इनवर्स टैन में किसका मान 1 होता है, तो 45 का मान होता है 1, तो टैन इनवर्स टैन 45 क्या आएगा, जब पाई बाई 4 करेंगे तो टैन इनवर्स टैन एक्स वगैरह क्या होता है फार्मूला एक्स होता है, एक्स के ऊपर क्या है पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कॉट इंटू टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, कॉट इंटू टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, आप लोग हम फार्मूला बताए थे दोस्तों, कॉट इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स में क्या बताए थे पाई बाई 2 बताए थे ना, तो कॉट पाई बाई 2 पाई का मान 180 होता है, 180/2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉट 90 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे 90 लिखते हैं कि 180/2 करेंगे तो 90 होगा, कॉट 90 का मान कितना होता है, कॉट 90 का मान कितना होता है जल्दी बताइए, कॉट 90 का मान 0 होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो 0 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर
13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, टैन इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाय स्क्वायर बटा 1 प्लस बाय स्क्वायर। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, टैन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाय स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर, ये है ना दोस्तों क्वेश्चन। देखिए दोस्तों फार्मूला होता है, ठीक है ना, टैन पहले लिख देते हैं टैन 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 टैन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टैन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को फार्मूला याद करना होगा कि 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को दिया हुआ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लोग 2 टैन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, कॉस इनवर्स 1 माइनस बाय स्क्वायर बट 1 प्लस बाय स्क्वायर, इसका फार्मूला भी वही होता है, 2 टैन इनवर्स यहाँ पे y है तो 2 टैन इनवर्स y लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x था तो x लिखे, यहाँ पे y है तो 2 टैन इनवर्स y लिख देंगे, ठीक है ना। इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों टैन 1/2, अभी देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे 2 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो बच गया क्या, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स बाई बचेगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो गया ना, टैन इंटू टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, इसका क्या होगा, टैन इनवर्स x प्लस फार्मूला बताए थे ना, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, तो टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है ना फार्मूला, तो क्या हो गया फार्मूला, तो यहाँ पे फार्मूला बता रहा है टैन इंटू टैन इनवर्स x इक्वल टू क्या, x, चाहे टैन इनवर्स टैन x इक्वल टू क्या, x, तो x के जगह पर क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो क्वेश्चन हम लोग को लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो इसका x का मान हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो साइन है इसको हम बराबर की भी पट्टी ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं टोटल, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, तो देखिए दोस्तों बराबर की पट्टी अगर साइन में है तो ई पट्टी जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे साइन था तो ई पट्टी बराबर की पट्टी आएगा तो क्या होगा, इनवर्स में होगा ना, अब देखिए दोस्तों साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1 में किसका मान 1 होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो लिख देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स साइन साइन में किसका मान वन होगा, 90 का मान, तो 90 का होगा जब पाई बाई 2 करेंगे, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक फार्मूला क्या होगा, एक्स होगा, एक्स के ऊपर क्या होगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए दोस्तों साइन इनवर्स 1/5 इसको बराबर की ऊपर ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा ना,
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी उसमें जब इसको अगर ये पट्टी बराबर की पट्टी लेके जाएंगे तो एक्स बराबर हमको निकालने के लिए मान कर रहा है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स में है तो ये पट्टी बराबर की पट्टी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इनवर्स हट जाएगा तो कॉस इंटू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई फाइव हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कॉस नब्बे माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ये टेंथ क्लास में पढ़े होंगे कॉस नब्बे माइनस थीटा सन नब्बे माइनस थीटा क्या होता है, सन नब्बे माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस नब्बे माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स में क्या होगा कॉस नब्बे माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इंटू थीटा के बराबर क्या होता है साइन इनवर्स वन बाई फाइव है, तो साइन इनवर्स वन बाई फाइव लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, एक्स के बराबर क्या है वन बाई फाइव है, तो वन बाई फाइव क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आया ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की, ठीक ना दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों टैन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इजकल टू पाई बाई फोर, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन लिखते हैं कॉपी पे, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इजकल टू क्या पाई बाई फोर, तो हम लोग को पूछ रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों ये फार्मूला आप लोग को बताए थे हम लोग को कि टाइम इनवर्स एक्स प्लस टाइम इनवर्स वाई इजकल टू क्या होता है, तो टाइम इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस टाइम इनवर्स एक्स प्लस टाइम इनवर्स वाई बराबर क्या बताए थे, टाइम इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा और माइनस एक्स वाई बताए थे ना, तो टाइम इनवर्स एक्स प्लस वाई एक्स कितना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई बट वन माइनस एक्स वाई एक्स बाई एक्स यहाँ पर कितना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू बाई कितना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इसका टू क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइन इनवर्स इधर ले आएंगे तो इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा तो टेन पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसमें हम एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं है सेम ले लेते हैं एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू खत्म तो एक्स प्लस टू बचेगा, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बचेगा ना, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है ना। यहाँ पे टेन पाई बाई फोर ये दोस्तों इसका काम हुआ सिर्फ, अभी नीचे वाला के बाकी है, ठीक है। फिर नीचे वाला भी मिलेंगे क्या दोस्तों, ये मेन लाइन ये हुआ, ठीक है ना। एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ले लेंगे एलसीएम तो नीचे कुछ नहीं तो वन है, ये वन से गुना कर देंगे दोनों में तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है ना दोस्तों। तो टेन पाई बाई फोर का मान कितना होगा वन होगा, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है वन होता है ना। अब देखिए दोस्तों एक्स माइनस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा ना, बच जाएगा कितना एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, यहाँ पे आप लोग को दोस्तों गुना करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं माइनस है, माइनस वन से आप गुना करेंगे एक्स में तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस वन माइनस टू प्लस टू तो माइनस टू। अभी इसका तो काम हो गया दोस्तों, अब इसका गुना करेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू का,
तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, फिर माइनस टू हो जाएगा ना दोस्तों। अभी बड़ी लाइन है घिंच देते हैं, अभी इसमें इसमें गुना कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस रह देंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस वन, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ऊपर से ऊपर कोई कट रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। टू एक्स और माइनस टू एक्स, प्लस टू एक्स से माइनस टू एक्स कट रहा है, कट रहा है दोस्तों। यहाँ पे माइनस एक्स और कोई कट रहा है दोस्तों, हाँ भी कट रहा है दोस्तों, कोई देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहीं पे कर देते हैं तो ज़्यादा लाइन हो जाए लंबा, फिर नहीं तो एक माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन आया, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल होगा दोस्तों, होगा ना दोस्तों। फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ये कर सकते थे, ठीक है ना, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर भी हो सकता था, ठीक है ना। यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है ना। यहाँ पे भी कट जाएगा दोस्तों, ऐसे कीजिए दोनों बात बराबर, ठीक है ना। प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर बचा ना, माइनस एक्स से प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यहाँ पे कर देते हैं, इसका वैल्यू इतना करने की ज़रूरत नहीं मिला, ठीक है ना। तो ए माइनस बी आर प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस चार प्लस वन, तो माइनस थ्री बचेगा नीचे, ऊपर कितना बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा कितना बचेगा बताइए जल्दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर बचेगा ना, माइनस टू का माइनस टू कितना, माइनस फोर, नीचे कितना बचेगा, माइनस फोर और प्लस थ्री, तो माइनस थ्री बचेगा ना दोस्तों। उसके बराबर में कितना है, टेन पाई बाई फोर का मान कितना था, वन था, तो वन लिख दिए। अब यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, माइनस थ्री में वन से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों फिर से समझ लीजिए, ऊपर तो ऊपर बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था टू एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, फिर नीचे है माइनस फोर और प्लस वन, तो माइनस थ्री, ठीक है ना दोस्तों। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फिर इसमें गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस थ्री से वन से गुना करेंगे तो माइनस थ्री, तो टू एक्स स्क्वायर जगह नहीं, इसलिए ऐसे लिखे में बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना। मेंटेन कर लीजिए इस कैलकुलेशन सिर्फ है, कुछ नहीं, माइनस थ्री प्लस फोर कितना बचेगा दोस्तों, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यानी एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, वन बाई टू बचेगा, बचेगा ना दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू बचा, तो यहाँ पे लिख दे दोस्तों, जगह नहीं मेरा तो थोड़ा सा जगह बच रहा बस, और कुछ नहीं। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ वन बाई टू, तो एक्स में क्या होगा, स्क्वायर जगह ही पटी, तो प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस वन बाई रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाई रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो एक्स बराबर एगो आ जाएगा वन प्लस वन बाई रूट टू, एक्स बराबर एगो आ जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है ना। यानी लिख दें दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। आप लोग कहिएगा कि फिर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, वन बाई टू, तो स्क्वायर आ जाएगा ये पटी, तो प्लस माइनस हो जाएगा वन बाई रूट टू, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस वन बाई रूट टू, एक आ जाएगा एक्स बराबर माइनस वन बाई रूट टू, ये क्या आ जाएगा,
आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सोलह नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सोलह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों कह रहा है, ठीक है ना। ये तो पहले एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इसमें दोस्तों आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है ना दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों साइन वर्स साइन 2π/3 रहते, इसको साइन वर्स साइन साइन को बाहर ले आते हैं आप, π - π/3 करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। साइन वर्स साइन चाहे डायरेक्ट भी कर सकते π - 2π/3, ठीक है ना दोस्तों। तो 3π 3 LCM लेंगे दोस्तों, साइन 3 LCM लेंगे तो ऊपरी गुना करेंगे तो 3π - 2π होगा ना दोस्तों। तो साइन इनवर्स साइन 3π में से 2π कैंसिल होगा, कितना बचेगा पाई बचेगा, तो π/3। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो x बना कि x के जगह पर कितना है π/3, इसलिए π/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा क्यों किए दोस्तों, ठीक है ना। इस एक तरह एक तरीका और इसका बनाने का तरीका, ठीक है ना। सेकंड मेथड साइन इनवर्स साइन π - π/3 होता है, ठीक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि साइन 180 - θ इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है ना। इसी की वजह से क्यों, तो साइन इनवर्स साइन 180 - θ इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक साइन थीटा, थीटा की जगह पर π/3, तो साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या एक्स, तो एक्स की जगह पर π/3, इसलिए π/3 कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या 17 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, tan इनवर्स tan 3π/4 टाइन इनवर्स टाइन 3π/4, ठीक है ना दोस्तों। इसमें भी दोस्तों आपको इसी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह उसमें बताएं टाइन इनवर्स टाइन x·θ इक्वल टू टाइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो π - 3π/4 किया, ठीक है। टाइन इनवर्स टाइन LCM लेंगे 4, तो 4π हो जाएगा दोस्तों -3π, ठीक है ना। टैन इनवर्स टैन 4π में से 3π जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई बचेगा, तो π/4। टैन इनवर्स टैन x इक्वल टू क्या हो जाएगा x, x से ऊपर कितना π/4, इसलिए π/4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, टैन इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2 है, चलिए दोस्तों चेंज करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। टैन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, एक्स मान लें कुछ, ठीक है। थीटा मान लीजिए तो थीटा मान लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल क्या माने, थीटा, थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। तो इनवर्स है तो ऊपर जाएगा, बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, बराबर के ऊपर जाता है तो इनवर्स हट जाता है ना, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 25 - लंब का स्क्वायर 9,
यानी 20,000 कितना 16 = 4, ठीक है ना, 16 के बराबर कितना 4। तो यहाँ पे हमको निकालना है किसका दोस्तों, टैन के रूप में निकालना है दोस्तों, यहाँ पे टैन नहीं टैन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको टैन के रूप में निकालना है, तो टैन इंटू टैन थीटा हमको निकालना है, ठीक है ना। तो टैन थीटा क्या होगा, लैम बटे आधार होगा, टैन थीटा क्या टू लैम बटे आधार, तो लैम कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो थीटा का जगह पर हम रख दें यहाँ पे दोस्तों 3/4, रख देना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर प्लस है तो प्लस। टैन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है, बताया था दोस्तों, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमको कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा मेरा क्या होगा 1/tan थीटा, नहीं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो टैन कॉट थीटा वाला 3/2 है, तो टैन थीटा मेरा क्या होगा 2/3 होगा ना, कॉट थीटा आधार बटे लम, तो टैन थीटा लम बटे आधार यानी 2/3, तो टैन इनवर्स हो जाएगा 2/3, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, टैन इंटू टैन वर्स एक्स प्लस टैन वर्स वाई, क्या बताया था दोस्तों फार्मूला, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स के यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 प्लस वाई, वाई के यहाँ पर 2/3, एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी 3/4 इंटू 2/3, ठीक है ना। तो टैन इनवर्स चारती है 12 ले लेंगे सी एम, तो 3 × 9 हो जाएगा, 4 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8 अपॉन 4 × 3 = 12 माइनस 3 × 2 = 6, 12 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइन इनवर्स 9 × 8 = 17 अपॉन 12 में से 6 हो जाएगा, तो कितना 12 में से 6 हो जाएगा, तो 6 बचेगा ना दोस्तों। तो टाइन इंटू टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टाइन था भी दोस्तों, आगे टाइन छोड़ दिख के चल रहा है, टाइन इंटू टाइन इनवर्स 17/6। तब दोस्तों देखिए टाइन इंटू टाइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, एक्स के ऊपर कितना 17/6, इसलिए 17/6 हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। टाइन इनवर्स टाइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, चाहे पूरे टाइन इंटू टाइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स 17/4 होता है, ठीक है ना। एक्स के ऊपर 17/6 था, इसलिए 17/6 लिख दिए, आंसर हो गया, ठीक है। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। 19 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है ना दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान किसके बराबर होगा, ठीक है ना दोस्तों, ये हमको से पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस में आप लोग को बताया कि जब भी आया था दोस्तों, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको दोस्तों आपस में माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले कॉस इनवर्स कॉस को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। कॉस काट दिया, ठीक है ना, कॉस इनवर्स कॉस उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π - 7π/6 लिख सकते हैं दोस्तों, क्या दोस्तों लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, क्योंकि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है, कॉस चूंकि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, 360 डिग्री कब आएगा, जब 2π का मतलब क्या होता है दोस्तों, 360 है ना, 2 × 1π का मान 180 थे, 18 × 36 यानी 360 - थीटा, इसलिए हम लोग 2π - 7π/6 करते हैं, ठीक है। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों। यहाँ पे लोग को माइनस कर देना है सेम लेके, कॉस इनवर्स कॉस 6 LCM लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 × 2 = 12π हो जाएगा माइनस 7π इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस करके लिख दीजिए कॉस इनवर्स कॉस 12π - 7π, तो 5π/6
कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजकल टू क्या होता है, एक्स होता है, एक्स के ऊपर कितना है फाइव पाई बाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजकल टू एक्स होता है, एक्स के ऊपर फाइव पाई बाई सिक्स है, तो फाइव पाई बाई सिक्स ये मेरा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करा, साइन इंटू पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मान है। इसका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कितना दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स। ठीक है ना, 20 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन इंटू पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मान कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसे हमको से पूछा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए साइन इंटू पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स, साइन में किसका मान वन बाई टू होता है, तो साइन में 30 का मान वन बाई टू होता है, तो 30 कब होगा दोस्तों, साइन पाई में कितना से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 6 से, 6 18 तब तो 30 होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस लगाते हैं, माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है ना दोस्तों, आप देखिए दोस्तों साइन इंटू पाई बाई थ्री, अब देखिए दोस्तों साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स एक्स पर कितना है माइनस पाई बाई सिक्स, अब यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, तो पाई बाई सिक्स। ठीक है ना, एम साइन इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई बाई थ्री है पाई बाई सिक्स, तो सिक्स लेंगे एलसीएम लेंगे ना दोस्तों, तो तीन दोनों छः यानी ऊपर हो जाएगा टू पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा साइन इंटू टू पाई प्लस पाई इक्वल टू थ्री पाई बाई सिक्स, तो तीन दोनी छः यानी साइन पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 हो जाएगा ना दोस्तों, 180/2 तो कितना हो जाएगा, पाई का मान 180/2 इक्वल टू 90, 90 का मान कितना होता है सर, 90 का मान एक होता है, इसलिए साइन पाई बाई टू का मान हो जाएगा 1 यानी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया ना, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, होगा ना दोस्तों 1। समझ में आया ना दोस्तों। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन करिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग दोस्तों 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आज के वीडियो का इस लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो लिखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का मान पूछ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों टैन इनवर्स रूट थ्री, टैन में किसका मान रूट थ्री होता है दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग ये बताइए कि टैन में किसका मान रूट थ्री होता है, तो टैन में आप लोग कहें कि टैन 60 का मान रूट थ्री होता है, तो टैन 60 कब आएगा, जब पाई में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, 3 6 का टर आता है तो 60 आएगा। माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में किसका मान रूट थ्री होता है दोस्तों, कॉट में किसका मान रूट थ्री होता है, तो 30 का मान होता है दोस्तों, तो 30 कब आएगा, जब कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6 करेंगे तभी तो 6 18 30 आएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, तो पाई बाई थ्री लिख दिया। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स कॉट माइनस का चिन्ह लगाओ, इसलिए हम लोग दोस्तों पाई माइनस पाई बाई सिक्स करेंगे। ठीक है ना, जब भी कोस में अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहे तो अंदर में हम लोग ही माइनस कर देते हैं। ठीक है ना,
पाई बाई थ्री माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, छः या सेम लेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स पाई माइनस पाई। ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन समझने के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स कॉट क्या होता है, एक्स एक्स जगह पर कितना सिक्स पाई माइनस पाई यानी सिक्स पाई में से पाई जाएगा कितना बचेगा फाइव पाई बाई सिक्स। ठीक ना दोस्तों, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे भी नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, छः एलसीएम लेंगे, तीन छः का एलसीएम कितना हो जाएगा छः, समझ में आया ना दोस्तों। तो तीन दूनी छः ऊपर पाई से गुना करेंगे तो टू पाई माइनस छः से छः कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा वन से गुना करेंगे तो माइनस फाइव पाई, तो हो जाएगा कितना दोस्तों टू पाई माइनस फाइव पाई, तो कितना बचेगा माइनस थ्री पाई, माइनस थ्री पाई अपॉन सिक्स, तीन से डिवाइड करेंगे छः से तो तीन दूनी छः यानी कितना बचेगा दोस्तों माइनस पाई बाई टू, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, इक्कीस का माइनस पाई बाई टू जो आ रहा है बी नंबर क्वेश्चन, इक्कीस नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन मेरा माइनस पाई बाई टू यानी बी ऑप्शन मेरा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।